नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल लेट्स फन टेक में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो लोग अभी भी विंडोज 7 यूज़ करते हैं और अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप को विंडोज 7 से विंडोज 10 में अपग्रेड करना चाहते हैं। बन रही इस वीडियो के एंड तक और इस वीडियो में बताए गए सारे स्टेप्स को केयरफुली देखें और फॉलो करें तो आप अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप को विंडोज 7 से विंडोज 10 में इजीली अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपग्रेड करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। पहला है मीडिया क्रिएशन टूल और दूसरा विनरार। इन दोनों एप्लीकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने के बाद आपको पहले मीडिया क्रिएशन टूल को लॉन्च करना है। तो इसे लॉन्च करने के लिए आपको इस पे डबल क्लिक करना है। लॉन्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा और ये इसमें लिखा हुआ है गेटिंग ए फ्यू थिंग्स रेडी। तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। तो इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा जिसमें आपको सिंपली सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने लैंग्वेज आर्किटेक्चर एंड एडिशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो जिसमें यूज द रिकमेंडेड ऑप्शंस फॉर दिस पीसी, यानी इस पीसी के लिए जो रिकमेंडेड सेटिंग्स है वो ऑलरेडी सेट है। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप इस चेकबॉक्स को अनचेक करके यहाँ से आप इसमें चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं रिकमेंडेड सेटिंग्स के साथ ही जाने वाला हूँ। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन दिख जाएंगे, USD फ्लैश ड्राइव और ISO फाइल। तो आपको ISO फाइल पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपको विंडोज़ की लोकेशन यानी कि जो फाइल आप डाउनलोड करने वाले ISO फाइल उसकी लोकेशन आपको सेलेक्ट करने को कहा जाएगा। तो आप सिंपली अपने जो ही ड्राइव आपका खाली होगा वहाँ पे आप लोकेट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ से सेव पे क्लिक कर दीजिए। ये जो विंडोज़ का फाइल है लगभग 4.5 से 5 GB के बीच का फाइल है। इसको डाउनलोड करने के लिए लगभग आपके पास 6 GB डेटा होना चाहिए, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, इसीलिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको सेकंड एप्लीकेशन विनरार को इंस्टॉल करना है। तो विनरार को यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो इसके बाद आप देख सकते हैं विंडोज 10 की जो ISO फाइल थी विनरार के आइकन में चेंज हो चुका है। आपको उस पर राइट क्लिक करना है, सबसे नीचे वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा एक्सट्रैक्ट टू विंडोज 10, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और तो ये एक्सट्रैक्ट होने लगा है। इस प्रोसेस में फ्रेंड्स 1 से 2 मिनट लग सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके ISO के फाइल के नेम से ही एक फोल्डर बन जाएगा। तो मेरे कंडीशन में ISO का नाम था विंडोज 10, तो आप देख सकते हैं विंडोज 10 नाम का एक और फोल्डर बन चुका है और इसके अंदर आपको सेटअप फाइल मिल जाएगा। तो इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इसके सेटअप वाले फाइल को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से ये फ्रेंड्स प्रिपेयरिंग हो रहा है और आपको 100% तक होने तक वेट करना है। तो इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ से आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ी देर बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेबल नोटिस एंड लाइसेंस टर्म है, इसको आपको सिंपली एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, मेकिंग श्योर यू आर रेडी टू इंस्टॉल। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। फ्रेंड्स, इंस्टॉल होने के लिए रेडी हो चुकी है। आप नीचे देख सकते हैं चेंज व्हाट टू कीप, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज व्हाट टू कीप पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, तो तीनों ऑप्शंस को हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है कीप पर्सनल फाइल्स एंड एप्स, जिसका मतलब ये है कि आपका सारा फाइल और एप्लीकेशंस कंप्यूटर में एज इट इज़ रहने वाला है। और सेकेंड ऑप्शन है कीप पर्सनल फाइल्स ओनली, इसमें आपका पर्सनल फाइल्स रहेगा और एप्लीकेशन सारा आपका डिलीट हो जाएगा। और थर्ड है नथिंग, इसमें आपका ना ही कोई फाइल्स रहेंगे और ना ही कोई एप्लीकेशंस। ये जो भी तीनों ऑप्शन जो भी दिख रहा है आपका सिर्फ और सिर्फ सी ड्राइव के लिए है, ठीक है। आपके अदर ड्राइव में कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो भी आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग आप उसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। मेरे केस में
मैं यहाँ अपने कंप्यूटर में की पर्सनल फाइल्स एंड एप्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और इसके बाद आपके सामने रेडी टू इंस्टॉल का विंडो आ जाएगा। यहाँ से आपको सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इस प्रोसेस को होने में लगभग 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, तो आपको वेट करना है। और 100% होने के बाद आपका सिस्टम यानी आपका लैपटॉप या फिर आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ध्यान रहे, इस प्रोसेस के दौरान आपको पावर बैकअप रखना है। अब ये लास्ट स्टेप था फ्रेंड्स। और इसके बाद अब जो प्रोसेस है, इस बीच में आपका कंप्यूटर मे बी 2-3 बार रीस्टार्ट हो, ठीक है, 2 या 3 बार रीस्टार्ट हो सकता है। तो इस बीच आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वेट करना है, ओके। और इन सारी प्रोसेस में लगभग आधे घंटे से 45 मिनट का टाइम लग सकता है। वो आपके हार्ड डिस्क पे डिपेंड करता है। अगर आपका SSD हार्ड डिस्क है तो वो फास्ट हो जाएगा, और HDD हार्ड डिस्क है तो उसमें आपको टाइम लग जाएगा। तो मेरे केस में HDD हार्ड डिस्क है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैं वेट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये लॉगिन स्क्रीन पे आ चुकी है, और मैं इसे साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपको इन सारे प्रोसेस के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप आ चुकी है, और जो भी फाइल डेस्कटॉप पे पहले से था या फिर जो भी एप्लीकेशन मेरे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल्ड थी, तो यहाँ आप देख सकते हैं सारा का सारा फाइल एज इट इज़ है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो लैपटॉप था सक्सेसफुली विंडोज़ 10 में अपग्रेड हो चुकी है। अगर आपने अपने कंप्यूटर को सक्सेसफुली अपग्रेड कर लिया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और आपके जो भी फ्रेंड्स अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियोस रेगुलर देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन इनेबल कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।